how important are days? There was a time when historians were fascinated with days. There were heated debates about the days on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with date. You may have heard people say, "I find history boring because it is all about memorizing dates." Is such a conception true? ठीक है ना, हमेशा मतलब एक समय था जब जो हिस्टोरियंस थे वो डेट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे, वो ज़्यादातर हिस्ट्री में उन डेट्स के बारे में लिखते थे कि राजा कब राजा बना या राजा को कब राजगद्दी प्राप्त हुई, कौन सा युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री और डेट्स एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। हमने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें सिर्फ डेट्स को याद करना पड़ता है, लेकिन क्या ये सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस डेट ऑकर ओवर टाइम, ठीक है ना। हिस्ट्री वो है जो समय समय पे जो परिवर्तन आया है उसके बारे में लिखना ही हिस्ट्री है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, ठीक है। पास्ट में कैसा था और कैसे उसमें परिवर्तन आया। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। जब भी हम कंपेयर करते हैं पास्ट और प्रेजेंट को तो हम कहते हैं कि बिफोर ये था और आफ्टर दिस ये हुआ, ठीक है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वाट वी सी अराउंड अस। वी टेक दिस थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ वॉट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड, ठीक है। हम आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं कभी हम उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे मन में कुछ चीज़ों को देख के क्यूरियस आते हैं कि कैसे हुआ होगा और वही हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी। लुकिंग आउट ऑफ द विंडोज ऑफ अ ट्रेन यू मे आस्क योरसेल्फ व्हेन वेयर ऑल रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, ठीक है ना। कई बार हम रोड साइड में किसी व्यक्ति को चाय पीते हुए देखते हैं, अचानक कहता था पहले कब लोगों ने चाय पी होगी। जब हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि पहले रेलवे लाइन कैसे बनी होंगी, या जब रेलवेज नहीं थे तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह इतनी लंबा डिस्टेंस कवर करते थे। ये सारे क्वेश्चन होते हैं वो हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to print. लोगों को कैसे पता, जब newspaper पढ़े तो हमें तो newspaper से पता चलता है बारे में क्या, लेकिन पहले जब newspaper नहीं था तो लोगों को कैसे पता चलता होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऑल्सो हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नोशन ऑफ टाइम, और जब हम इस टाइप के हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमें बैक टाइम में लेकर चला जाता है। But time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं टाइम का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ईयर और मंथ होगा। Sometimes it is actually incorrect to fix precise date to process that happen over a period of time, लेकिन एक कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ये नहीं कि एक महीना दो महीना, मे बी 10-20 ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, ठीक है ना। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम, ठीक है। एक दिन लोग उठे और उन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये टेस्ट डेवलप करने में उनको बहुत लंबा समय लगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच ऐसे, हम ये नहीं कह सकते उस दिन लोगों ने चाय पीना शुरू किया था, ठीक है। एक लाइम लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, इसलिए हम कभी भी उसको एक सिंगुलर डेट मंथ या ईयर में हम उसको नहीं रेफर कर सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस दिन ब्रिटिश रूल इस्टैब्लिश हुआ था, और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, या नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और चेंजेस टू प्लेस विद द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ऑल दिस थिंग हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, एक लंबा टाइम पीरियड होता है और उसमें ये जब भी परिवर्तन दिखाई देना शुरू होता है। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, ये एक लॉन्ग लंबा टाइम होता है, जैसे हम बोलते हैं फ्रॉम 1700 टू 1900 और 2000 टू, ठीक है, ये पूरा टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे धीरे 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 रूल करना शुरू किया। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम एंड अप्रोक्सीमेट पीरियड ओवर विच पर्टिकुलर चेंजेस बिकेम विजिबल, ठीक है। और वो एक टाइम होता है जब हमें अभी ये धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देना शुरू करता है। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट, फिर हम हिस्ट्री डेट्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं।
दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न, देर वॉज अ टाइम वेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट। ठीक है, इसका एक रीज़न है क्योंकि पहले जो हिस्ट्री होती थी वो बैटल्स और बड़ी बड़ी घटनाओं से रिले। अब बैटल तो एक दिन हो सकता है ना कि आज युद्ध हुआ, जैसे हम पढ़ते हैं पानीपत का युद्ध इस दिन शुरू हुआ, तो हम उसको एक डेट में बांध सकते हैं। ठीक है, इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, रूलर्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में होता था। अब जिस दिन राजा ने पॉलिसी डिक्लेयर की वो डेट भी हो सकती है। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ऑफ किंग वॉज क्राउंडेड, द ईयर ही मैरिड, एंड ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फॉट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड, एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन। इन सबकी एक निश्चित डेट होती है। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्ट्रीज सच और इस दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पॉर्टेंट। और इसलिए इन डिबेट्स में डेट इम्पॉर्टेंट थी, इस टाइप की हिस्ट्री में डेट्स इम्पॉर्टेंट थी। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट टू ईयर्स, हिस्टोरियन नाउ राइट अबाउट द होस्ट ऑफ अदर इशूज एंड अदर क्वेश्चन। लेकिन अब उन्होंने सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके अलावा भी बहुत सारे चीज़ों इशूज़ के बारे में और क्वेश्चन के बारे में लिखना शुरू कर दिया है। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लिवलीहुड, कैसे वो अपना जीवन यापन के लिए कमाई करते हैं। व्हाट दे प्रोड्यूस एंड ईट, वो क्या उगाते हैं और क्या खाते हैं। हाउ सिटीज़ डेवलप एंड मार्केट्स केम अप, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई और मार्केट बनी। और ऑब्वियसली ये सब एक दिन में नहीं होता, इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस चाहिए होता है। हाउ किंगडम्स वे फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज। ठीक है ना, इनकी एक निश्चित डेट नहीं होती, एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में कम्प्लीट होता है।